नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। राहुल की ये यात्रा 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक चलेगी। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता ने बताया कि हर शहर में हमारे पास एक प्रवासी कार्यक्रम होगा और एक बैठक व्यावसायिक नेताओं के साथ भी रखी जाएगी। वहीं वाशिंगटन डीसी में कोई प्रवासी कार्यक्रम नहीं होंगे, वहां हम दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कानून निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल भी जून 2023 में राहुल अमेरिका की यात्रा पर गए थे और मार्च में ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे पर दिए गए बयानों को लेकर भारत में राजनीतिक घमासान भी मचा था। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल इसमें ये सामने आ रहा है कि विदेश दौरे पर तो ये जा रहे हैं, इस बार क्या गुल खिलाने वाले हैं? देखिए, गुल खिलाना तो उनकी आदत है जी। विदेश जाएंगे, अब कांग्रेस पार्टी बता रही है कि 8 तारीख से 10 तारीख तक के लिए जाएंगे जी। पिछले बार भी तारीख बताया गया था, फिर अचानक से वो 10 दिन गायब हो गए थे। लंदन में गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, पता नहीं चला किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ। ये देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं भाई, कांग्रेसी तो यही कहते हैं जी। अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी विदेश जाकर के अचानक से इवोपोरेट कर जाते हैं, तमाम मीडिया और कांग्रेस पार्टी की ही रडार से गायब हो जाते हैं। और कोई पहली बार नहीं है, कभी वो थाईलैंड चले जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ किसके साथ, कहाँ वो ध्यानमग्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ सवाल जो है जी, वो ये उठ रहा है, और राजनीतिक दृष्टि से ये सवाल हर कोई पूछेगा भी। दो इंपॉर्टेंट चुनाव पीक पे कैंपेन चल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है हमारी सरकार आने वाली है, फिर कश्मीर के अंदर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, वहां भी कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है किस गठबंधन के किस सरकार बन जाएगी जी। भाई कैंपेन कौन करेगा? माने ड्यूरिंग द पीक कैंपेन सीजन नेता तो तमाम काम को छोड़ के चुनाव प्रचार के लिए लगते हैं, अगर वो स्टार प्रचारक है तो। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर तो कांग्रेस पार्टी इनको ही प्रोजेक्ट करती है, और वही कैंपेन से गायब हो जाएंगे तो मेरे जैसा आदमी तो सवाल ही पूछेगा। तो इसका मतलब तो यही है कि जो इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के विदेश जा रहा है जी। तो इसका मतलब यह है कि विदेश में इस काम से, इस कैंपेन से, इस चुनाव से, दो दो राज्यों के चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अमेरिका में है, तभी तो आप प्रायोरिटी बनाते हैं। तो वो काम क्या है? पिछली बार आप अमेरिका गए तो वहां पब्लिक मीटिंग आप कर रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं आप, दो तीन शहर जा रहे हैं, वहां पे पब्लिक मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं। पिछली बार कैपिटल टीवी ने सबसे पहले ये खुलासा किया था, और उसके बाद बाकी सारे लोग, क्योंकि अमेरिका से ही कैपिटल टीवी के कुछ दर्शकों ने बताया, जानकारी दी, जिसके बाद वो स्टोरी सामने आई, और वो ये कि इनकी पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक गैदरिंग में जिन लोगों को पास दिए गए, उनका रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग, वो कोई मस्जिद था तो कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन था तो कोई कुछ था, जिसका रिश्ता पाकिस्तान और आईएसआई के साथ था। अभी तक कांग्रेस पार्टी उस खबर के ऊपर कोई डिनाल नहीं दे सकी है। लोगों ने सवाल भी किया, आपने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी सही थी कि जहां जिस जिस जगह पे आपने कार्यक्रम किया, ये वही जॉर्ज सोरोस का गैंग, ये वही एंटी इंडिया आईएसआई के चट्टे बट्टे, ये कौन? अब आप देखिए,
आप वहां जाओगे और मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर दे रहा हूं, जब ये लोग वहां पे जाएंगे ये स्टोरी हिंदुस्तान में आएगी कि ऐसे ऐसे लोगों से इनकी मुलाकात होगी जो कश्मीर के नाम पे धंधा करते थे जी। कश्मीर को पाकिस्तान में मिला दो, कश्मीर को भारत से अलग कर दो, इस तरह की बातें करने वालों के साथ इनका उठना बैठना अमेरिका में होता है। तो खैर वो तो अलग कहानी हो गई। तो दो तीन चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहला ये कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो आप वहां जा रहे हो। बिल्कुल भाई, कैंपेन करना है आपको जम्मू में, कैंपेन करना था श्रीनगर में, कैंपेन करना था रोहतक में, कैंपेन करना था हरियाणा में, और आप वहां पे कैंपेन करने के लिए अमेरिका जा रहे हो। किसके लिए? जो बाइडेन के लिए प्रचार करने जा रहे हो क्या? तो इसका मतलब है कि कुछ और कहानी चल रही है। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि पिछली बार भी जब आप गए तो बड़े ही संदिग्ध तरीके से आपके पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। बीच में सैम पेट्रोटा का एक बयान आ गया था, कुछ दिनों के लिए आपने उसको हटाया, फिर उसको वापस बुला लिया जी। फिर अब आप एक और खुलासा जिसका कोई जवाब ये लोग नहीं दे पाए, और कुछ लोगों ने जो सवाल उठाया तो कहा कि भाई उसको सू कर दिया जाएगा, वी विल ड्रैग यू टू द कोर्ट। लेकिन वो हिम्मत नहीं है कांग्रेस पार्टी की। और वो क्या था? अब तो बहुत ही विस्तृत तरीके से उसकी रिपोर्टिंग भी हो गई कि वाशिंगटन डीसी में भी आप पिछली बार आए। तो ऐसी क्या बात है, किन लोगों से आपने मुलाकात की जो आपने व्हाइट हाउस के अपने मीटिंग के डिटेल्स को गुप्त रखा? आप हिंदुस्तान में तख्ता पलट करने वाले, रिजीम चेंज करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात हुई, हां या नहीं? आप लंदन गए, वहां बांग्लादेशी एंटी इंडिया बीएनपी खालिदा जिया के बेटे से आपने मुलाकात की, हां या नहीं? ये सारे खुलासे तो हो रहे, और ये छुपा करके क्यों करना? लंदन में आप थे लेकिन आपने बिल्कुल अपने आप को साइलेंट कर लिया। और कांग्रेस पार्टी वाले से पूछो तो बोलेगी कि भाई देखिए उनका कुछ पर्सनल लाइफ है। भाई पर्सनल लाइफ नहीं होता किसी नेता का। जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, नथिंग इज पर्सनल अबाउट हिम। उसका खान पान, दोस्ती यारी किसके साथ है, उसका चाल चरित्र चेहरा क्या है, ये हर देशवासियों को जानने का अधिकार है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और किसी चाइनीज जासूस के साथ हक्का नूडल खा रहे होंगे लंदन के किसी बार में। नॉट एक्सेप्टेबल। और ये इस पर्दे के अंदर काम नहीं कर सकते कि भाई ये तो पर्सनल उनका। भाई आप ये बताएं, भाई वाशिंगटन डीसी जा रहे हैं, आप क्यों मिलने जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? बाकी जगह की तो डिटेल आप दे दोगे कि यहां मीटिंग है, वहां मीटिंग है, सारी जगह क्या। भाई अंदर व्हाइट हाउस, वहां पे चुनाव चल रहा है और आपके पता नहीं आपके मुंह से कब क्या निकल जाए। कुछ आप बोल दें कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, अब तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप वहां जाते हो, कहते हो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में संविधान खत्म हो गया, हिंदुस्तान में टेररिस्ट लोग आ गए हैं, हिंदुस्तान में जो है हिंदू जिंगोइज्म बढ़ रहा है। आप सरकार को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए, देश की तमाम इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे यहां का चुनाव हो, चाहे यहां का प्रधानमंत्री हो, यहां की सरकार हो, सबके बारे में आप अनाप शनाप बोल करके आते हो। एक दो सवाल अमेरिका जाने से पहले इनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। जब पिछली बार आप गए थे तो क्या आपने ये पाकिस्तान की सरकार को गिराने वाला, बांग्लादेश की सरकार को गिराने वाला, तो इंडोनेशिया में भी चालू हो गया, क्या उस डोनाल्ड लू से आपने मुलाकात की या नहीं? और अगर मीटिंग हुई तो उस मीटिंग का डिटेल आपने देश की जनता के साथ शेयर क्यों नहीं किया? प्लेन एंड सिंपल, इनकी आदत है। चले गए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा, सीधे सीधे क्यों नहीं गए?
वो भी कैपिटल टीवी ने खुलासा किया था, उसके बाद में बवाल मचा था। और ये खुलासा ये था कि ये नेपाल पहुंच करके अपने दोस्तों के साथ, अमिताभ बच्चन के भतीजे के साथ और भी कुछ दोस्तों के साथ यहां पे वो नेपाल में जो है वो नॉनवेज ढूंढ रहे थे। और किसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी को कहा कि अगले दिन सवेरे जो है हमें पशुपतिनाथ मंदिर जाना है, वहां के पंडितों ने कह दिया कि भाई नॉन हिंदू नॉट अलाउड, इसके धर्म का पता नहीं है, घुसने नहीं दिया गया। कोई डिनाई कर सकता है इस फैक्ट को? और काठमांडू में जाने के बाद आपने अपने सिक्योरिटी वाले को कहा वापस जाओ, फिर आपने कहा कि हम जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर, लेकिन आप फ्लाइट पकड़ के चले गए लासा। ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? तो आपकी विदेश यात्रा हमेशा से वो सवालों के घेरे में रहता है। अब तो ये भी कुछ लोगों ने कह दिया, वो ब्रिज वाले ने, चौधरी साहब ने खुलासा किया, आर्टिकल छाप दिया, सवाल पूछ रहे हैं कि आपको विदेश आप इसलिए जाते हो कि आपके दो दो बच्चे वहां पे हैं। भाई इसको डिनाई करना पड़ेगा ना, भाई डिनाई तो करना पड़ेगा। आप कोई डिनाइल नहीं, सवाल पे सवाल उठाए जा रहे, आप दूसरों से सवाल करो और आपके ऊपर सवाल आता है तो आप जो है बिल्कुल चुप्पी साध लो, उसको इग्नोर कर दो। भाई इतना बड़ा खुलासा हो गया, ये खुलासा किसी बीजेपी लीडर के बारे में हुआ होता पूरा सोशल मीडिया और मीडिया उसके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते कि भाई बताओ कि तुम अपने आप को अनमैरिड बताते हो, तुम्हारे दो बच्चे कहां से आए। नॉर्मल केस में ही होता, लेकिन देखिए इकोसिस्टम का कमाल। एक टीवी चैनल ने इस स्टोरी को नहीं उठाया, जबकि वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल खोजी पत्रकारिता कि दुनिया में उसका नाम है ब्रिज का, भाई अखबार में छापा है उसने, कोई सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं लिखा है, अखबार में बकायदा उसने छापा है, वो सोर्सेस के आधार पे वो सारी स्टोरीज कर रहा है। आदर तो उसको आप सू करो या फिर आप उन सवालों का जवाब दो। तो ये कई सारी चीजें हैं और मुझे लगता है कि इस बार अमेरिका की यात्रा पे हिंदुस्तान के एजेंसियों की भी नज़र रखनी चाहिए कि आदमी कहाँ जाता है, कहीं ऐसा नहीं। तो अभी देखिए बंगाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अभी इंडोनेशिया में शुरू हो रहा है, ये NED वालों का एक नया प्रपंच सामने आया है, CIA ऑपरेशंस के बारे में खुलासे हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर जो रिजीम चेंज करने वाले लोग हैं उनका एक अलग क्लब बनता चला जा रहा है, और हिंदुस्तान के ऊपर भी बड़ा दबाव है। और ऐसे में आप उन लोगों से जाकर के Washington DC में मिलोगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। सर तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पिछली बार राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर गए थे तब उनके दिए गए बयान से सियासी बवाल मच गया था। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार के विदेश दौरे से राहुल गांधी क्या कुछ करेंगे और क्या कुछ बड़ा खुलासा होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट जरूर रखते जाइएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।